हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम हो गया वसीम शबाना ब्लॉग में। और मैं आया था खाना खाने घर पे हूँ ना, और कहाँ जाऊँ अभी। कैसा सोच रहे, घर पे आऊँगा खाना खाने और कहाँ जाऊँ। मैं आया था घर पे, काम पे से घर पे आया था खाना खाने। अब खाना वाना खा लिया, अब वापस जा रहा हूँ काम पे। ये शबाना दवा खाना चलेगी, बच्चा सो भी गया तो मेरा आज कितनी फिर तबीयत खराब हो गई। अभी नया कान में दर्द हो रहा है, कान में दर्द दे रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। मेरा ना दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो गया। चलो कोई बात नहीं, शाम में चले आऊंगा। शाम में संडे नारे बंद ना हो जाए, काशीपुर से ले लेंगे। चल ठीक है, फिर सलाम करो। सलाम करो। तुम्हारा चेहरा बहुत धुला धुला दिख रहा है वो, पहली बात। चले आया बाइक के घर पे जा रहे आप। तो चलो ठीक है, मिलते हैं शाम में। बाकी का भी सबाना थोड़ा बहुत बनाएगी, है ना सबाना बनाएगी ना। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया वसीम शबाना व्लॉग में। और आप लोग कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या खा रहा है? आइसक्रीम नहीं है वो, गंदा छी। आइसक्रीम नहीं खाने का बेटा, ठीक है? नहीं लिया। क्या खाना है? आइसक्रीम नहीं, आइसक्रीम नहीं। चाय बटर नहीं। नो आतिफ, किसको चिढ़ा रहे हो? किसको, हाँ किसको चिढ़ा रहे बेटा? ये देखो मैं कपड़ा धो रही हूँ और मैंने ऐसे डब्बों का सेटअप लगा के रखी हूँ, ये मोड़ी में आ ना पाए। तो ये देखो कैसा कर रहा है। आज यहाँ पे पार्टी चालू है। शबाना क्या लाई? हसने ने लाइट मांगा, उसके लिए लाइट ली हूँ। और आसिफ के लिए गुड़िया, वो परी की गुड़िया बहुत खेलते हैं। अरे बाप रे, अरे वाव, कितनी सुंदर है। छुद्दर, चलो कितनी छुद्दर है, बता आसिफ की है ये। हाँ तुम्हारी भी, चलो दोनों खिलाते हैं। यहाँ से प्रेस करने का है। ओ माय गॉड, आसिफ तो डिस्को मार रहे हैं। ओ बाप रे बाप, धन पायो धन। आसिफ की मरारू गई ये गुड़िया से, 3 से 4 दिन चलेगी मेरे ख्याल से, है ना सबाना? अरे इतना जिद कर रहा था मैंने, चल ठीक है। हाँ तो ये आतिफ, कभी कभार तो बच्चों लोग के लिए कुछ लेती हूँ। इसको देख, इधर डिस्को में परेशान है। अरे बाप रे, रोज रोज लेती हूँ। इसको लाइट भी चाहिए, छिनम छानी में टूट जाएगा बेटा। दोनों चीज मांग रहे है ना। अभी लाइट उसको दे दे आतिफ। हेलो पापा। हाँ मस्त, पापा ले लो, पापा पप्पा पप्पा ले लो पापा। बच्चों का ऐसा ऊपर कभी कभी तो 150 खर्चा करती, थोड़ी ना कौन सा रोज का 1-2 लाख खर्चा कर रही। अरे कर मेरा बच्चा, मैं कमा रहा किसके लिए? तुम लोग के लिए ना, फिर करो बिंदास। मैं अपने लिए कुछ नहीं लेती, मेरा शौक है कि मेरे बच्चे खाए पिए और खुश रहे। अरे दोनों ले लिया, लाइट भी ले लिया, वो भी ले लिया। ये लाइट दे दे, ये लाइट दे दे, तू गुड़िया खेल। अरे बेटा तुम गुड़िया खेलो, असन बाद में भाई को लाइट दे देना, ठीक है? तो हे गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन, और बहुत कम मसालों में, और कुछ अलग बनाऊंगी क्योंकि सारे मसाले पीसे हुए रहेंगे। और बहुत दिनों के बाद मैं बना रही हूँ, और आज मैं सोची कि आप लोगों से छोटी सी एक रेसिपी भी शेयर कर दूँ। और बहुत दिनों के बाद मैं चिकन खाने जा रही हूँ, तो कैसे बनाऊँगी आप लोगों को दिखाती हूँ कि सारे मसाले पीसे हुए रहेंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या और कैसे बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ ली हूँ एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट ली हूँ। और ली हूँ 10 से 12 लहसुन, इसको अच्छा मोटा मोटा पीस लूँगी। तो मैंने ली हूँ 1/2 किलो चिकन, इसको अच्छे से वॉश करके रख ली थी मैंने इसको। और ली हूँ थोड़ा सा अदरक लहसुन, उसको मोटा मोटा पीस ली हूँ। और 2 बड़े टमाटर, उसको अच्छा बारीक पीस ली हूँ। और एक बड़ा कांदा, और 2 कटी हुई हरी मिर्ची। और मैंने ली हूँ यहाँ मसाला, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच से भी थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला
और एक पैकेट मैगी मसाला और नमक अपने पसंद स्वाद अनुसार। तो हमारा तेल यहाँ गर्म हो चुका है अच्छे से। मैं डालने जा रही अपना ये कांदा और मिर्ची। कांदा और मिर्ची को मैंने साथ में डाल दी हूँ, इसको अच्छे से ब्राउन होने देना है। तो कांदा यहाँ अच्छे से ब्राउन हो गया है। मैं ऐड करने जा रही हूँ अपना चिकन। और उसी के साथ साथ में मैं डालूंगी अपना ये अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में ही डाल दूंगी इसके। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए छोड़ देते हैं। आप लोग देख सकते हो मैंने इसमें सब, तो ये अच्छे से पक गया है तीनों। और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ अपना ये टमाटर। और ये हमारा पाउडर मसाला, अच्छे से मिक्स कर देना है। तो हमारा चिकन पक रहा है, हम तो चलते थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, तो मिलते हैं बाद में। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा चिकन और मसाला कितने अच्छे से पक गया है, ये देखिए इतना मस्त दिख रहा है। तो अब मैं ऐड करने जा रही हूँ अपना कोथमीर। और इसे 5 मिनट पकाकर कर दूंगी बंद। तो हमारा चिकन तैयार हो चुका है, कैसा लग रहा है जरूर बताना। और हमारा खाना पीना हो गया है। आज चिकन तो इतना अच्छा बना था, सच में तारीफ नहीं कर रही हूँ खुद की, रियल में बहुत अच्छा बना था। और बहुत दिनों के बाद मैं खाई, इतना सारा खाई, फटे एंजॉय करी आज चिकन खा के। आज तो मुझे मज़ा आ गया चिकन खा के। हसनैन इधर आओ बेटू, एक मिनट। हाँ तुमने चिकन खाए? हाँ। कैसा था? ए नो 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 नो, गंदी बात। रानो आतिफ मम्मा तुम चिकन खाए? अच्छा था। अल्लाह। तो बिपाशा आज बहुत दिनों के बाद में चिकन खा के कैसा लगा? बहुत मजा आया। कैसा बना था? बहुत टेस्टी। सच्ची? हाँ। झूठ बोल रही है? और आतु बताओ कैसा लगा सोना चिकन खा के? चिकन खा के ठंडा पी रही और हजम हो गया खाना। तो मजा आया कि नहीं? बहुत ज्यादा। कुछ कमी थी कि नहीं? कुछ भी नहीं। पक्का? हाँ। तू नम नम नन्नु नम नम तू नम 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 नम। जब इसको बहुत ज्यादा जोर की भूख लगती है ना, तो मैं इसका एक इशारा समझती हूँ। नम 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 मम मम नम नम। कैसा बोलते हैं नम नम बता दो? हाँ मेरे बेटे का ना कल से कान में शायद थोड़ा थोड़ा दर्द था, आज भी हो रहा था, तो दवा तो लाई नहीं मैं। आमिर भाई मेरे को दवा दे दिए थे कान में डालने वाली, तो डाली, अभी थोड़ा सा आराम है। तो अभी माशाल्लाह खेल रहा है नम 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 नम। तो कल का वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर बताना। और मेरा चिकन की रेसिपी मैंने छोटी सी एक रेसिपी दी हूँ, उसको भी ज़रूर ट्राई करना। तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, घंटा बटन दबाना मत भूलना। और मेरे वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिए और अपना प्यार सपोर्ट यूं ही बनाए रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ हसनैन। चिल्ला रहा इतना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।